आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर की पंचायती राज विभाग में सोलर घोटाला सामने आया है। यहां गांवों में सोलर लाइट लगाने के नाम पर ज्यादा कीमतों में सामान खरीदे गए। वहीं प्रशासन का कहना है कि हजारों का नहीं सिर्फ कुछ सौ रुपयों का मामला है। गोरखपुर में सोलर घोटाला, बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर हुई खरीद, 10,000 के सामान के लिए 22,000 का भुगतान, आरटीआई से खुला घोटाले का काला चिट्ठा। गांव में विकास कार्यों की योजना बने और घोटाला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताजा मामला गोरखपुर का है, जहां पंचायती राज विभाग में सोलर लाइट घोटाला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सोलर लाइट लगाने के लिए जरूरी सामान बाजार भाव से ज्यादा कीमत में खरीदा गया। आज की डेट में लगती हैं, तो जब 9,500 की डेट में लगती हैं, तो मैं गया और मैंने जो है 3-4 कागज बनवाए लिए। और जब मैं कागज बनवाया अपने नाम से एक सोलर लाइट के लिए कि आज की डेट में मुझे सोलर लाइट कितनी पड़ेगी, तो 9,575 एम्पियर बैटरी की 13,000 रुपये की पड़ेगी और 40 एम्पियर बैटरी की वो 9,500 रुपये की पड़ेगी, वो भी एक साइट की। तो मैंने कहा कि अगर आज ये 9,500 रुपये की पड़ रही है, तो आज से 3-4 साल पहले तो ये 5-6 हज़ार रुपये की पड़ती होगी। आपको बताते हैं आखिर ये पूरा घोटाला कैसे हुआ। सोलर लाइट लगाने के लिए बैटरी और दूसरे सामानों के लिए ज्यादा पैसे दिए गए। 9 से 10 हज़ार रुपए के सामान के लिए 20 से 22 हज़ार का बिल बनाया गया। पंचायती राज विभाग में ये सभी खरीदारी 2016 से 2018 के बीच हुई थी। अरबों रुपए घोटाला है, क्योंकि 2016-17 में लगभग 3,500 करोड़ रुपए प्रदेश को मिले थे, 2017-18 में लगभग 51,000 करोड़ रुपए मिले थे और 2018-19 में लगभग 61,000 करोड़ रुपए मिले थे। वही पंचायती राज विभाग का कहना है कि ये मामला हजारों का नहीं कुछ सौ रुपयों का था और जिन ग्राम प्रधानों और अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया उनसे रिकवरी कर ली गई है। मिनिमम क्रय मूल्य है, न्यूनतम क्रय मूल्य जो है उससे 25 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक अधिक लिया गया था। तो उस जांच के आलोक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा पत्रांक 30/11/2018 एवं 31/11/2018 के द्वारा जिसने भी अधिक धनराशि जिसका भी था आहरण किया था, उन सबों के वेतन से, उन सचिवों के 31 ऐसे सचिव थे उनके वेतन से कटौती कर ली गई थी। ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि अगर पूरे प्रदेश में साल 2016 से लेकर 2018 तक सोलर घोटाले की सही से जांच हो, तो ये रकम अरबों तक जा सकती है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।